नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय अवकल समीकरण का भाग दो पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था अवकल समीकरण की भूमिका के बारे में तथा उसके कुछ आधारभूत संकल्पनाएं के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात अवकल समीकरण के व्यापक एवं विशिष्ट हल के बारे में जानने से पहले हम उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे कि आखिर ये व्यापक और विशिष्ट हल क्या होते हैं। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिया है जो की है x²-1=0। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि इस इक्वेशन का सलूशन क्या है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इसका सलूशन x की वो वैल्यू होगी जो कि इस इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रही होगी। तो वो x की वैल्यू होती है ±1, यानी कि अगर आप x की जगह पर 1 या फिर -1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू पर हमारे x की वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसी प्रकार से हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी करते हैं। आइए अब हम ये देखेंगे अवकल समीकरण में। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिया है d2y/dx2+y=0। अब यहाँ पर हमें अगर कहा जाए कि ये जो इक्वेशन है इसका आप जनरल तथा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए, तो ये आप कैसे बताएंगे? आइए जानते हैं उसके बारे में। यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि y की वैल्यू अगर हम a साइन x प्लस b मान ले, तो ये वैल्यू जो है हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आइए देखते हैं, जब हम इस y का अवकलज करेंगे अर्थात dy/dx ज्ञात करेंगे, तो वो यहाँ से हमें ये प्राप्त होगा a cos x प्लस b। इसी प्रकार से जब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अर्थात d2y/dx2 फाइंड करेंगे, तो वो हमें प्राप्त होगा -a sin x + b। अब जब आप d2y/dx2+y इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर वो इक्वल मिलेगा 0 के। तो यहाँ पर आपको इससे क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो y की वो वैल्यू होगी जो कि आपके गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा y की वैल्यू है इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट शामिल है, अर्थात ये जो a और b आप देख रहे हैं ये है हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो वैसे सॉल्यूशन जिसमें कि हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंक्लूड होते हैं, वैसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं व्यापक हल अर्थात जनरल सॉल्यूशन। और यहीं पे अगर मैं आपको a और b की वैल्यू दे दूं और फिर कहूं उससे सेटिस्फाई कराने के लिए इक्वेशन को, तो वो वैल्यू कहलाएगी आपकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सपोज यहाँ पे मैंने a की वैल्यू बोली है 4 और b की वैल्यू बोली है 3, तो जब आप इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में y=4sin x + 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी आपको ये =0 प्राप्त होगी। तो दोस्तों, वैसे सॉल्यूशन जिसमें कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंक्लूडेड नहीं होते हैं, वैसे सॉल्यूशंस हमारे कहलाते हैं विशिष्ट हल, अर्थात किसी पर्टिकुलर गिवन वैल्यू पर हमारे जो इक्वेशन होगी वो वहां पर सेटिस्फाई कर रही होगी। तो वो हो जाएगा हमारे गिवन इक्वेशन का विशिष्ट हल अर्थात पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आइए इनकी परिभाषा देखते हैं अब हम। तो दोस्तों, ऐसा हल जिसमें स्वेक्ष अचर उपस्थित हो अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है, यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिस सॉल्यूशन में इंक्लूड होते हैं वैसे सॉल्यूशन हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के व्यापक हल कहलाते हैं अर्थात जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। और इसी प्रकार से ऐसे हल जो स्वेक्ष अचरों से मुक्त है अर्थात व्यापक हल में स्वेक्ष अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल हमारे अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है, यानी कि जो हमारे सॉल्यूशन आए हैं उसमें अगर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है अर्थात जो हमारा जनरल सॉल्यूशन है
उसके जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू पुट करने पर हमारा जो सोल्यूशन है वो हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है, वैसा सोल्यूशन कहलाते हैं हमारे पर्टिकुलर सोल्यूशन। जैसा कि आपने अभी एग्जांपल में देखा, y जो हमने लिया था वो था a साइन x प्लस बी। यहाँ पर a और b की वैल्यू जब हमने पुट कर दी तो वही हो गया हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत जानकारी अवकल समीकरण के व्यापक एवं विशिष्ट हल के बारे में। आपको इस एक्सरसाइज में व्यापक तथा विशिष्ट हल ज्ञात नहीं करना है, आपको ये प्रश्न में दिया गया होगा और आपको ये दर्शाना है यहाँ पर कि जो दिया गया हल है क्या वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या नहीं। आइए बढ़ते हैं कुछ उदाहरण की ओर, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपको इस एक्सरसाइज में करना क्या है। उदाहरण लिया गया है, सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर e टू द पावर माइनस 3x अवकल समीकरण d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0 का एक हल है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमारे प्रश्न में ही दिया गया है, y है जो है वो है हमारा बराबर e टू द पावर माइनस 3x के। हमारे अवकल समीकरण को सत्यापित करने के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी होगी dy अपॉन dx तथा d2y अपॉन dx2 की। तो आइए देखते हैं कि ये हम कैसे ज्ञात करेंगे हमारे गिवन y की वैल्यू से। तो दोस्तों अवकलज ज्ञात करना आप सबको अच्छी तरह से आता होगा, उसी प्रकार से हम dy by dx यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है ये माइनस 3e टू द पावर माइनस 3x। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर d2y upon dx2 ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 9e to the power minus 3x। अब जब हमारे पास d2y upon dx2 की वैल्यू आ गई है तथा dy upon dx की वैल्यू आ गई है, तो चलिए अब हम इन सभी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो दोस्तों हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है d2y upon dx2 plus dy upon dx minus 6y is equals to 0। जब हम इस गिवन इक्वेशन में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करते हैं तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो रहा है 9e to the power minus 3x minus 3e to the power minus 3x minus 6e to the power minus 3x, जिसे जब आप पुनः हल करेंगे तो आपको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा शून्य के बराबर। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हमने ये सत्यापित किया कि जो हमें फलन दिया गया है y बराबर e to the power minus 3x हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, अर्थात ये जो है y is equals to e to the power minus 3x ये है हमारा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर a cos x plus b sin x जिसमें a b दोनों R में है अवकल समीकरण d2y upon dx2 plus y is equals to 0 का एक हल है। आइए देखते हैं अब हम इस प्रश्न को और सत्यापित करते हैं कि ये अवकल समीकरण का एक हल है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार से चलना होगा, पहले हमें ज्ञात करना होगा d2y upon dx2 का मान, जो कि हम ज्ञात करेंगे पहले dy upon dx का मान ज्ञात करके। तो चलिए पहले dy upon dx ज्ञात करते हैं। dy upon dx हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इसी प्रकार से जब हम d2y upon dx2 ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। दोस्तों अवकल समीकरण को करने के लिए आपको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, वरना आप डिफ्रेंशिएशन ही नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो फिर आप इसे सत्यापित नहीं कर पाएंगे। चलिए अब जब हमारे पास d2y upon dx2 तथा dy upon dx का मान आ गया है तो चलिए हम इनके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब हम यहाँ पर इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा शून्य के बराबर। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हम यहाँ पर ये सत्यापित कर रहे हैं कि जो हमें फलन दिया गया है वो हमारे अवकल समीकरण का हल है या नहीं। इसी प्रकार से आप और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज में आपको इसी प्रकार का कार्य करना है। चलिए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि है सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर
अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का एक हल है। आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें जैसा कि प्रश्न में दिया गया है y जो है वो बराबर है अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर का, जिसका जब हम अवकलज ज्ञात करेंगे तो यहाँ से ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन dx ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। जिसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें dy by dx मिल जाएगा 2x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, जिसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। चूंकि हमें यहाँ पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर लाना है, तो अब हम यहाँ पर हमारे प्राप्त किए गए dy अपॉन dx में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, जहाँ से आप अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर जो आपके न्यूमरेटर में है वहां पर आप y पुट कर देंगे तो आपको जो dy by dx है वो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मिल जाएगा, अर्थात dy by dx आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के बराबर। जिससे कि यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से हम गिवन फंक्शन को प्रूव कर पा रहे हैं कि ये जो है हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। तो दोस्तों इसी प्रकार का कार्य करिएगा आप अपने इस एक्सरसाइज में, जिससे कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। इसके बारे में हम और अच्छी तरह से हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप आज के वीडियो पर आधारित प्रश्नों को जरूर कीजिएगा, जो कि आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। धन्यवाद।